गाइस तो 16 ओवर हो चुके हैं और पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब चल रही है। रिजवान ने स्लो खेला, हारिस ने थोड़ा स्लो खेला, यानी 125 140 की स्ट्राइक रेट से खेला। शान मसूद तेज़ खेल रहे थे, चाचू भी तेज़ खेल रहे थे, और उसके बाद अब शेडी आए। अभी अभी एक बॉल भी नहीं खेला शेडी ने, शेडी सॉरी शादाब खान एंड फर्स्ट बॉल। भाई इस पे हमें 180-190 का स्कोर जो है टोटल हमें सेट करना ही है स्कोर बोर्ड में। 180 का टोटल तो कुछ भी नहीं है ना। पहला बॉल उठाया और दो रन ही लगाया, तीन के लिए आ जा भाई, नहीं दो बेस्ट है, टू रन ऑन द सेकेंड। और सैम कर रहे हैं भाई साहब, सुबह मज़ा तो बड़ा। सेमी फाइनल नहीं, ग्रैंड फिनाले जो है ना वो सुबह आने वाला है बस। उफ मैन। और गाइस अब फिलहाल काफ़ी टाइम हो गया, 10:41 हो चुकी हैं, और लैम लिविंगस्टोन शॉर्ट रेंज में खड़े हुए हैं। यार क्या करूं, और फर्स्ट बॉल यार मुझे लग रहा है मुश्किल से जो अगर हम कर भी लेना, मुश्किल से भी तो 180 नहीं हो पाएंगे, 160 हो जाएंगे। व्हाट द हेक यार गाइस, इस पे भी नहीं लगा। नेक्स्ट बॉल ट्राई करते हैं, शादाब खान ने सारा निकाल दिया है खराब। नेक्स्ट बॉल उठा दिया है शेट्टी ने और पवेलियन जाते हुए। यार अब नवाज और वसीम जूनियर को ऊपर भेजा जाएगा। 115 का स्ट्राइक रेट है, रोल लेकिन हिटर है यार, कभी कभी मार ही देता है भूले से। 160-170 भाई जाना ही जाना है, मस्त है, नहीं तो सोच लो कि अब हारना ही है हमने। और दो रन नहीं, तीन रन, तीन 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 दो या यार 141 runs, नो टेंशन ब्रो, नो टेंशन। हिटिंग अगर कर ली ना हमने सही तरह तो भाई मैच अपना है, फुल टेंशन वेंशन लेने आ रही है, देना ही है खाली टेंशन। और रे वाइड रे वाइड रे वाइड रे वाइड रे, और क्रिस वॉक्स ने दे दिया वाइड, क्रिस वॉक्स ने दे दिया वाइड। हार्ड डिफिकल्टी है, कसम नहीं है, नहीं तो मैं हार्ड बैटिंग रखता हूँ और हार्ड कोर बॉलिंग रखता हूँ, लेकिन आज मैंने हार्ड बैटिंग। यानी 180 के टारगेट हमें सेट करना ही है, और स्लो बैटिंग बहुत हमारी है, आज हमने बैटिंग बहुत स्लो की यार। वसीम पवेलियन जाते हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत कोई भी नहीं चल रहा यार, कौन करेगा? नसीम शाह। इसके बाद नसीम शाह आएंगे जिसके चांसेस हैं कि वो हिट कर लें एक चक्का, एक चौका या दो चौका। ओ ड्राइवर दो ओवर। अबे ये बॉय, तीन। ओ मैन, जहाँ एक रन नहीं था वहाँ तीन रन चुरा लिए, इसको कहते हैं बैटिंग। मोहम्मद नवाज आते हुए, खींचा था नहीं कर रहे। अच्छा चले अगला बॉल और उठा दियो। कोई बैट पे बॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही, ये मुझे लग नहीं रहा ये ऑस्ट्रेलिया का बाउंस, ये मेलबर्न का बाउंस है, ये मुझे लग रहा है पुल, ये क्या नाम लेते हैं साउथ, ये पाकिस्तान की नहीं, ये मेरी गली की वट्टा बिच है। छह रन आए हैं यार सारे आवर से, भैंस के डाक क्या रन हो रहे हैं। ये लो कैसे बनेगा यार 180, 145 में अब हमें कितना करना होगा प्लस ताकि 180 हो। 84 का इसका जो है वो है, 84 विकेट्स ली हुई हैं बंदे ने। चलो भाई साहब I will try to do it. We should try to do it.
हिट कराया सामने के लिए दो रन बहुत तेजी से, और ओ मैन व्हाट द हेल, ये इंग्लैंड की फील्डिंग इतनी गंदी, वाओ ब्यूटी, वेरी डेंजरस। चलो ब्रो अगला बॉल सामने मारेंगे, ओ मैन शिट। अगर अब हमें किसी पे यकीन है ना, उम्मीद अगर हम कर सकते हैं तो वो है वन एंड ओनली शान द मसूर। एक और मारा, पहली पे तो मारा ही, दूसरी पे डॉट खेल ली, तीसरी पे मारा दो रन। नवाज यार हिट ही नहीं कर पा रहा यार, बड़े इसके गंदे दिन चल रहे हैं आजकल, लेकिन वही मैच विनर प्लेयर है, अच्छा खेल रहे हैं आजकल, के पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी है मोहम्मद नवाज ने। ओ यार गुस्सा आ रहा है गाइस मुझे बहुत ज़्यादा, ये जॉर्डन की जो डेथ बॉलिंग होती है ना बड़ी आला होती है। ये कराची किंग्स में भी खेलता था तो हमारा या नहीं, लाहौर कलंदर के खिलाफ फुल डेथ बॉलिंग में यॉर्कर डाल डाल के इसने फुल सांस रोके होते थे, यॉर्कर मारा होता था, ऐसे ऐसे करानी नहीं आ रहे होते थे फुल हम लोग टेंशन में, क्योंकि लाहौर और कराची का मैच ऐसे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, फुल हाई इंटेंसिटी गेम। और एक रन नहीं, एक ही वन, एक ही रन आया डायरेक्ट, बड़ा मारा सामने वाला फील्डर। चलो ब्रो वी नीड 22-30 रन्स इन दिस ओवर, इट्स नेसेसरी फॉर अस। फर्स्ट बॉल एंड दैट्स इट, आई थिंक इट्स गॉन फॉर फोर बट इट्स गॉन फॉर टू रन्स। ये एक से दो बाउंड्री मस्ट है ना यार, मस्ट है मैं कहता हूँ, नहीं लगी तो बहुत ख़राब सीन हो जाएगा, क्योंकि शान मसूद ने माशाल्लाह इतनी आला बैटिंग करी है और एंड में आके आउट हो गया। कौन मारेगा यार आखिरी ओवर में, शायद हमने गलत शॉट सिलेक्शन दी हमारे, और वन एंड ओनली नसीब शाह इज़ हियर। नवाज़े कोई तो मार ले रन, मार ले नन, विकेट का कैच है, वन हैंडेड कैच बाय आदिल रशीद, दैट्स अ ब्यूटी फ्रॉम मिस्टर आदिल रशीद, व्हाट अ कैच फ्रॉम हिम, Chris Fox, bowler Yorker, Nawaz go for it, and that's a one-handed catch. Look at that beautiful moment. What a beautiful, beautiful piece of fielding. Harris Ruff coming. Let's see what happens. Naseem Shah is on strike. First ball. And can't do much with that. Chris Fox takes 4 wickets in this match. यार बड़ा गलत सीन हो रहा है यार, और पीछे को गए नसीम शाह दो रन, भाई एक भी बाउंड्री नहीं आई, मैं कह रहा हूँ एक भी बाउंड्री नहीं आई, पूरा मैच मैंने आप लोगों को 4 आवर दिखाए हैं, एक बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस आई थिंक, या ज़्यादा से ज़्यादा भी एक बाउंड्री, दो बाउंड्री भी नहीं आई, जो भी रन करें हमने इस बड़े ग्राउंड में दो दो रन कर दिए। लास्ट बॉल ये भी नहीं, 156-160 कम से कम हम कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं, 157 का टारगेट। चले जी अब बॉलिंग के लिए, हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक रेडी है, तो पहला बॉल डालेंगे और फिर मिलेंगे आप उसको, हमारा 3 मैच 5 विकेट हमारा मैच विनर वन एंड ओनली हारिस, ओ सॉरी नसीम शाह, पहला बॉल ही ड्राइव कर दिया, एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की जोड़ी जिन्होंने क्या नाम है इंडिया का, अब क्या बोलूँ मैं यार, मेरी ऑडियंस 50% इंडियन है, क्या बोलूँ इंडिया का, यानी ना बुरी हालत कर दी थी। चलो जी
दो बोले हो चुकी हैं, मिलेंगे आपको 16 ओवरों के बाद। ओवर हो चुके हैं और 120 पर 3 विकेटें हैं। एक लिए नसीम शाह ने, एक लिए नवाज ने, एक लिए हारिस ट्रॉफी, बेन स्टॉक्स द ग्रेट और हैरी ब्रॉक्स बैटिंग कर रहे हैं। पहला बॉल और एक रन उस बॉल से आएगा, गुड हो गया जिस टीम। और शादाब को 4 पेसर्स होने की वजह से एक ही ओवर मिला है पूरे गेम में, जो कि बहुत गलत चीज़ है यार। मेन बॉलर था हमारा, एआई को क्या नाम लेते हैं, इस पे हमें देना चाहिए था और शादाब ने विकेट ले लिए ब्रो, व्हाट अ बॉलिंग। ओए होए होए, बेन स्टॉक्स जो बंदा मार सकता था ना, वो उस बंदे को जो फंसाया है अपने ड्रिफ्टर के अंदर, हेलीकॉप्टर शॉट के लिए गए और क्या नाम रहते हैं, फील्डर नीचे थे बिल्कुल, और एक अच्छा कैच पकड़ा हर स्ट्रोफ ने। लेकिन इंग्लैंड के पास हिटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दे हैव मोइन अली, दे हैव क्या नाम रहते हैं वो लिविंगस्टन, दे हैव हैरी ब्रुक्स, इनके पास यानी वर्ल्ड की बेस्ट हिटिंग 11 है। हर एक हिटर है इनके पास, जो जो बंदा हिट कर सकता है ना, उस बंदे को इन्होंने टीम में घुसाया हुआ है। ओए होए शेडी, आह लड़ाई हो गई है हैरी ब्रुक्स और शादाब की। शेडी ब्रो क्या नाम है, 7 दिए अभी तक, 7 रन। ओ कम ऑन कम ऑन, बड़ा सीन हमारे हाथ में चल रहा है गाइस, 4 रन है ओवर से। क्या मसला है? और जो है अभी 10 का रन रेट इन्हें चाहिए और लेग ब्रेक डालेंगे, कराएंगे सॉरी क्या नाम है यार गाइस, यार गलती से यार, ये बंदा बड़ा बहुत ज्यादा तंग करेगा। ये देखो यार, मैं बिल्कुल जल्दी में था, शान मसूर ड्रॉप्स द कैच, इजी हाथ में आ रहा था कैच और इसे छोड़ दिया। और नसीम शाह द मैन हु कैन टेक विकेट एट दिस टाइम, और मोइन अली जिसका कैच छोड़ा था वो अब हो चुका है तेज, चौका मोइन अली की तरफ से। वाओ यार क्यों छोड़ा यार तूने कैच, इतना इजीली उसका कैच आ रहा था यार। नसीम शाह को हर मैच में मार पड़नी है बोल्डन, फील्डर ने नहीं दिया साथ लेकिन इन्होंने बोल्ड मारा यॉर्कर पे। वाओ व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम नसीम शाह, हियर अगेन, आ हा हा हा, दो डंडे विकेट के निकल आए, आ हा हा, दैट्स अ बॉलिंग, इट्स कॉल्ड ब्रिस्ट यॉर्कर एवरेज। एक सेकंड फ्रॉम नसीम शाह, लेकिन चौका पड़ गया यार, थोड़ी गलत लेंथ कर दी है यार, हमें अभी मैच हमारे हाथ में, हमें थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है यार, विकेट हमें मिल जाती इस टाइम पे हम थोड़ा सा बेहतर होते। अब सिचुएशन है यानी 50-50, 3 बॉलों पे 8 स्कोर पड़ चुका है और ये देखो 8-4-12, ओ मैन शिट, नसीम शाह यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और अगला बॉल थोड़ा बाहर को और फिर मार दिया इस बंदे ने, क्या हो गया लिविंगस्टोन यार, नसीम शाह को हर मैच में एंड में डेथ बॉल का मुझसे 17वां-18वां ओवर कराते हैं तब इसे पड़ जाते हैं मैच, भाई साहब बहुत सीन खराब। ये बॉल हमें जाया करानी ही है, नो यार
बैड फील्डिंग, कल होने वाली है बहुत गंदी फील्डिंग यार, अल्लाह ना करे यार मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, गंदी फील्डिंग मिली और मुझे लग रहा है हम हार रहे हैं गेम, लग क्या रहा है हार रहे हैं। अब एक आवर मुझे शदाब से कराना पड़ेगा, नहीं तो हम आखिरी आवर फिर कैसे कराएंगे उससे, ऐसे तो फिर वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच सीन हो जाएगा कि आखिरी आवर शदाब से क्यों डल, ओ नवाज से क्यों डलवाया, यहाँ पे होगा आखिरी आवर शदाब से क्यों डलवाया, एक गलत ओवर की मैंने कॉल दे दी थी यार। 8.5 का रन रेट है, इसको हमें एक अच्छा रन रेट करना है। गूगली शादाब एक ही चीज़ है जो हमें बैट्समैनों को थर थर कांपते हैं जिन शादाब की, वो है उनकी गूगली। अब हमें कोई शॉर्ट पिच डालना होगा, प्लान करके अब हमें यार बोल रहा है लेग ब्रेक शॉट, या इस पर विकेट आएगी या इस पर हम आउट हो, बैट्समैन छक्का मारेगा या सिंगल भी, और एक रन, गुड बॉलिंग। हाँ शान मसूद साहब, आप एक रन ले विकेट ले लेते तो वो एक चौका ना पड़ता, कैच आप पकड़ लेते यार, वैसे गलती तो मेरी है, मैं उस बेचारे को क्यों डांट रहा हूँ। हैरी ब्रुक्स 8 का रन रेट, ओहा गुड फील्डिंग, एक रन भी नहीं दिया और डायरेक्ट गुड। लास्ट की दो बॉलों पे हमने प्रेशर बना के रखा है और बहुत आला सीन हो गया गाइस, गाइस गोल बहुत आला सीन हो चुका है। ओ माय गॉड गाइस, हमारा वीडियो ये बहुत आला हो रहा है, फुल थ्रिलर मैच, और आपने देखा होगा हर हमारे वीडियो में दूसरा मैच थ्रिलर हो रहा होता है, फुल जो है हम कांपते हुए नेल बाइटिंग मैच हो रहे होते हैं हमारे वीडियो। ओ हो 8 रन 7, लेट्स सी व्हाट है, 149 इज द स्कोर, और से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वाला मैच वाली रियल सिनेरियो, यानी एक आवर दो रन डिफेंड, उधर था टिम साउदी, इधर है शाहीन शाह। हमारे गेम में ये रिकॉर्ड रहा कि जब भी शाहीन को आखिरी आवर मिला शाहीन ने नहीं जिताया, और इस बार ही उठाया है शाहीन ने, पहली बॉल पे विकेट दिला दी है, वाओ व्हाट अ मैच इट इज, इट्स अ विकेट। गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, सेबी करन, वो सैम करन, हैरी ब्रुक्स, ओ माय गॉड विकेट आया है, यानी कुछ तो ट्विस्ट आ रहा है। ओ अगला बॉल एंड पर ट्विस्ट आ रहा था कि एक बॉल पे तुम खुश हो जाओ दूसरी पे घर चलो, अल्लाह हाफिज़ सी अमान अल्लाह भाई साहब, फुल एंड कर दिया गेम पाकिस्तान, मेरा जो अल्लाह माफ़ करे जो अल्लाह लग रहे जो हमारा वो है क्या नाम लेते हैं प्रिडिक्शन गलत हो जाए, अल्लाह करे सुबह इंग्लैंड ना जीते और पाकिस्तान जीते। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा सी यू।